नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बर्ड्स की ब्रीडिंग से रिलेटेड है कि आप जब बर्ड्स पालते हो और आपको ब्रीडिंग में किस किस प्रकार की समस्या आती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। देखिए, बर्ड्स की ब्रीडिंग करने से पहले हमें बर्ड्स की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और जब हम बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हमें एक थोड़ा ये जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि पेयरिंग हम जो करते हैं मेल और फीमेल का सही से चुनाव करना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेटिंग की या ब्रीडिंग की सही एज कौन सी होती है। ज़्यादा यंग एज में भी यदि आप पेयर लगा देते हो वो भी ठीक नहीं है, वो बर्ड्स की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और इन फ्यूचर्स जो उसकी जनरेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होती है, क्योंकि आप छोटी एज में यदि आप बर्ड्स से किसी भी ब्रीड से आप बच्चे लेते हो, बर्ड्स में कॉमन मैं मतलब कहूँगा कि उसमें पैराकीट्स भी हो सकते हैं, उसमें पिजन्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए बर्ड्स की एज मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मतलब आप ये नहीं है कि आपको पता है कि हर स्पीसीज़ की एक अलग अलग एज होती है, उसकी एडोलेसेंस एज हम इसको कह सकते हैं। जैसे बजरीगर्स का ही पे एक एग्जांपल लीजिए, ये अमूमन 7 से 9 महीने के बीच में जो है ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें जो इसको एक्चुअल में ब्रीडिंग का इसका जो पेयर कम से कम ये 18 महीने की होनी चाहिए, उसके बाद हमें इसी इनसे ब्रीड कराना चाहिए। यंग एज में लोगे उसमें नुकसान क्या होगा, एक तो बर्ड्स में क्या है, छोटी एज में जब आप पेयर बना देते हो बर्ड्स ब्रीड भी कर जाएगा, एग भी देगा, लेकिन उसमें क्या है जो फर्स्ट टाइम बर्ड्स एग देता है तो उसको एक तो अपने बच्चों की केयरिंग की पेरेंटल केयर जिसको कहते हैं उसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। और अक्सर क्या है, बच्चे अंडे में से बच्चे भी निकलाते लेकिन उनको अपने बच्चों की केयर करनी नहीं आती, और बच्चे ना केयर करने के अभाव की स्थिति में जब आ जाते हैं। दूसरा, छोटी एज में यदि हम बर्ड से एग लेते हैं, उनका पेयर बना देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है एग बाइंडिंग की होती है, क्योंकि एज में मेच्योरिटी नहीं होती। और बर्ड्स में जो है, बर्ड्स का जो मेल पॉइंट्स होता है जहाँ से एग बाहर आता है वो काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि उसकी एज इतनी मेच्योर नहीं हुई है। उसमें क्या है, कई बार अंडा अटक जाता है जिसको हम एग बाइंडिंग भी बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, एग बाइंडिंग की वजह से बर्ड जब फर्स्ट बार एग ले करता है और वो एग पुश नहीं कर पाता है और हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो उस कंडीशन में कई बार जो है बर्ड्स जो है पेनफुल स्थिति में कई बार बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। ये सब चीज़ें हम इसकी डेथ होने के बाद भी हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि बर्ड्स की डेथ का रीजन्स क्या हुआ है। इसलिए बर्ड्स की एज ब्रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये चीज़ें हमें खुद से प्रैक्टिकली हमें खुद से सोचना चाहिए कि हम किस एज ग्रुप में बर्ड्स का चयन करें, उनका पेयर बनाएं। और ब्रीडिंग में एक जो चीज़ मेन ध्यान रखने बात होती है, कभी भी इनब्रीडिंग हम उसको बोलते हैं, एक इनब्रीडिंग सोर्स होता है, एक आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग होता है एक पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उन्हीं के बच्चों में से यदि मेल फीमेल छाट करके हम उसका जो पेयर बना लेते हैं वो इनब्रीडिंग होता है। जस्ट हम ये कह सकते हैं कि वो भाई बहन होते हैं, उन्हीं का पेयर बना लेते हैं आगे चल करके जो उनकी जो जनरेशन होती है। इनब्रीडिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा है जेनेटिक्स डिफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, यानी उनसे बच्चे भी हो जाएंगे, मेटिंग भी होगी, लेकिन जो प्योरिटी है जनरेशन की, जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, वो प्योरिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी और जेनेटिकल डिफेक्ट्स बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनब्रीडिंग में जो बच्चे होते हैं उनमें कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी होती है, या बच्चों के बीक्स में आपको डिफेक्ट मिलेगा, उसके लेग्स में आपको डिफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब इनब्रीडिंग के कारण होता है। इसलिए हमेशा पेयरिंग आप जब सोच रहे हो तो आपको कोशिश करना चाहिए अलग अलग पेरेंट्स का बच्चा जो है सेलेक्ट करना चाहिए पेयर बनाने के लिए। ब्रीडिंग में आपने पेयर तो बना लिया, आप काफ़ी दिनों तक वेट करते हो, आपके बर्ड्स ने एग ले ही नहीं किए हुए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसका रीजन्स क्या होता है, कई बार हम मेल फीमेल में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, हो सकता है हम जो पेयर बना रहे हैं वो प्रॉपर मेल फीमेल ना हो। इसलिए बर्ड्स का जब भी आप ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करते हो, कन्फर्मेशन के लिए आपको करना चाहिए कि आप अपने बर्ड्स का डीएनए टेस्ट करें। डीएनए टेस्ट करना बहुत ही इजी है, इजी प्रोसीजर है। आप अपने बर्ड्स की फैदर लेकर किसी भी डीएनए लैब में आप भेज दीजिए और वहाँ पर आप अपने बर्ड्स का डीएनए टेस्ट करा लीजिए कि आपने जो पेयर सेलेक्ट किया हो वास्तव में मेल फीमेल है या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है डीएनए टेस्टिंग, ताकि इन फ्यूचर्स आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके जो बच्चे होंगे वो हेल्दी होंगे। सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग में जो आती है, जो मेटिंग होने के बाद भी बर्ड्स जो है अंडे देते हैं, अंडे का साइज छोटा होता है, अंडे के अंदर ही बच्चे जो है मर जाते हैं निकलने से पहले,
इसका रीजन्स ये होता है कि आप अपने बर्ड्स को प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट नहीं दे रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, और उस डेफिशिएंसी की वजह से बर्ड्स की हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आती है। बर्ड्स आपका वीक होगा, और वीक होगा तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो आपका जो बर्ड्स एग ले करेगा वो काफ़ी साइज का छोटा होगा, उसका जो एग का ऊपर का जो शेल है वो काफ़ी सॉफ्ट हो सकता है, उसमें अंडे में बच्चा तो बन जाएगा लेकिन बच्चा जो है कई बार इंक्यूबेशन से पहले ही अंडे के अंदर जो है बच्चे की डेथ हो जाती है, या बच्चा कई बार अंडे में से निकल भी आता है लेकिन इतना वीक होता है कि बच्चा जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। वो उसका रीज़न ये होता है कि जो बर्ड्स को जो हम जो डाइट दे रहे हैं वो न्यूट्रिशनली फिल नहीं है, मतलब उसमें पोषक तत्वों की कमी, हम केवल उसको जो भोजन दे रहे हो पेट भरने के लिए दे रहे हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। अब न्यूट्रिशन में क्या हो सकता है, हमें उसको डाइट में उसको रेगुलर कैल्शियम देना चाहिए, उसको विटामिन्स के सिरप देने चाहिए, विटामिन्स आप उसके फूड में भी ऐड करके दे सकते हो, विटामिन ए बी सी डी ई ये सब जो है उसको पीने के पानी में आप दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अमीनो एसिड्स जो हैं इनका बर्ड्स की फर्टिलिटी में बहुत रोल होता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस में ही जो बर्ड्स हेल्दी होता है, इसलिए उसकी डाइट के अंदर आप उसको फूड्स के ऊपर स्प्रे करके दे सकते हैं, पीने के पानी में ऐड करके दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप बर्ड्स को भी पिला सकते हैं। इन सब को देने से आप देखेंगे कि बर्ड्स की हेल्थ बिल्कुल ओके रहेगी, बर्ड्स आपका फैदर्स जो है बिल्कुल शाइन करते हुए नजर आएंगे, और जिस बर्ड्स में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी आपका बर्ड्स वीक और एनीमिक होगा, कमज़ोर होगा, हड्डियाँ निकली होंगी, उसको चलने में दिक्कत होगी, चलते चलते चक्कर खा के गिरना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है बर्ड्स ब्रीडिंग बर्ड्स के लिए स्पेशली। हमें बर्ड्स की डाइट में जो है रेगुलर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देने चाहिए। देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जितने कलरफुल फ्रूट्स हम बर्ड्स को खाने को देंगे तो उसमें उतने ही विटामिन्स और अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होगा, यानी जितनी कलरफुल डाइट उतना ही आपका बर्ड्स हेल्दी। जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जी होती है ये सब कैल्शियम और फॉस्फोरस का बहुत बड़ा सोर्स होती है। सब्जियाँ जो होती हैं हरी कच्ची, मतलब बॉयल करके हरी एज सच रॉ फॉर्म में दीजिए, इसमें जो है कैल्शियम फास्फोरस, क्योंकि आपको पता है बॉडी के अंदर कैल्शियम फास्फोरस का 2:1 का रेशो होता है, यही जब आप बॉडी में देते हो इसका शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इस रेशियो में भी कोई डिस्टर्बेंस होता है आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, बर्ड जो भी खाएगा एज सच निकलाएगा और उसके शरीर में वो खुराक लगेगी ही नहीं, मतलब बर्ड्स बिना डाइजेस्ट किए सब कुछ निकालता रहेगा। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी बर्ड्स की डाइट में बहुत बड़ा रोल है। यदि बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम नहीं दे पा रहे हो तो आप देखेंगे कि बर्ड एग का जो साइज होता है नॉर्मल साइज से बिल्कुल आधा होता है, और छोटा साइज होने की वजह से बच्चा कमज़ोर होगा और कई बार अंडा फर्टाइल भी नहीं होता। इसलिए कैल्शियम बर्ड्स की डाइट का एक रेगुलर हिस्सा है, और ग्रोइंग स्टेज में नॉर्मल कैल्शियम से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा देना चाहिए। यदि आपके बर्ड्स का एग फर्टाइल नहीं हो रहा, ये अंडे में बच्चा नहीं बन पा रहा, उसका रीजन्स भी होता है कि उसकी डाइट में आप कैल्शियम नहीं दे पा रहे हो। इसलिए तुरंत इस तरफ नोटिस कीजिए, और उसकी डाइट में जैसे ही आप कैल्शियम देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे जो नेक्स्ट लीटर आपके यहाँ होगा अंडे का साइज बड़ा होगा, उसका जो शेल है पहले से ज़्यादा मजबूत होगा, और अंडे के फर्टाइल होने के 80-90% चांसेस होते हैं। जो अंडा ख़राब होता है जिसमें आप मानते हो कि उसमें कोई लाइफ नहीं है, तो बर्ड्स भी बड़े समझदार हैं, उनको पता होता है कि एग फर्टाइल है नहीं है, तो अनफर्टाइल एग को बर्ड्स भी अपने केज में से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, या एग कैसा ही छोटा है, एग बहुत ही बुरी कंडीशंस में है तो बर्ड्स को खुद से रिजेक्ट कर देते हैं, उसको इंक्यूबेट भी नहीं करते हैं, और हेल्दी एग्स को बर्ड्स हमेशा लाइक या प्रेफर करते हैं, और उसी में लाइफ होने की पॉसिबिलिटी होती है, बर्ड्स उसको इंक्यूबेट भी करते हैं और इंक्यूबेशन के बाद जो है अंडे में से बच्चा निकलता है। ब्रीडिंग में एक जो सबसे बड़ी समस्या जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं कि आप जो ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हो या बर्ड्स की जो केज की जो लोकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि आपकी केज की लोकेशन इस तरीके की हो कि जिस खिड़की के पास है, जिस घर के कॉर्नर में आपने रखा हो वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो, आपका बर्ड्स बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपका बर्ड्स जब भी पेयरिंग बनाने की कोशिश करता है उस नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्बेंस होने की वजह से उसमें हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, इसलिए बर्ड्स एकाग्र होकर के, मतलब कहते हो कि उसका जो माइंड है जो डाइवर्ट होता रहता है, और उसकी वजह से मेटिंग नहीं कर पाता, पेयर नहीं बनाता है। इसलिए बर्ड्स के केज की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए बर्ड्स बिल्कुल पीसफुल काम एनवायरनमेंट में रहे, ताकि वहाँ पे बर्ड्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और केज का साइज भी हमेशा प्रॉपर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। छोटे केज में रहेंगे बर्ड स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस की वजह से भी बर्ड्स जो है मेटिंग के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। आपके केज का
नॉइस पॉल्यूशन का तो मैंने बता दिया। यदि आपके केज में आपने जहाँ उसको रखा है या लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, बर्ड्स कभी भी अंधेरे के अंदर ब्रीड नहीं करते हैं। यदि आपने जो केज है या जो आपने उसका हाउसिंग बनाई है, आपने घर के किसी अंदर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर सनलाइट वगैरह नहीं आ रही है, तो बर्ड्स अंधेरे में कभी भी ब्रीड नहीं करते हैं। आप ये कह सकते हैं उनकी जो ब्रीडिंग पावर है अंधेरे की वजह से कम होती चली जाती है। जितना सनलाइट उनको ज़्यादा दोगे या रोशनी ज़्यादा मिलेगी, तो बर्ड्स जो है ब्रीडिंग के लिए इच्छुक भी होते हैं, और उनका लाइटिंग की वजह से सनलाइट यदि उनको रेगुलर मिलती है तो उनका फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है और बर्ड्स के लिए हेल्दी होता है। बर्ड्स बेटर फील करते हैं एक लाइटिंग वाली पोजिशन में, इसलिए अंधेरा बिल्कुल ना, लोकेशन जो है केज की ऐसे रखें वहाँ अंधेरा ना हो, ऐसी लोकेशन का चुनाव करें जहाँ प्रॉपर सनलाइट आती हो। बर्ड्स की डाइट में हमें ब्रीडिंग सीजन में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, बर्ड्स की एक तो रेगुलर कैल्शियम दें। जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो कैल्शियम, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स, ये चार चीज़ें ऐड कीजिए। किस किस तरीके से आप दे सकते हो? कैल्शियम का सोर्स होता है, एक तो आप कैल्शियम के ब्लॉक्स बर्ड्स के केज में परमानेंट रख दीजिए। बर्ड्स जब भी फ्री होगा उन ब्लॉक्स के अंदर से कैल्शियम खाता रहेगा। दूसरा, कैल्शियम जो है आप उसको पीने के पानी में ऐड कीजिए। 5 ml 1 liter पानी में ऑस्टो कैल्शियम ऐड कीजिए। अब पर डे उसको देना शुरू कर दीजिए, इससे भी कैल्शियम की पूर्ति होगी। और कैल्शियम को आप जो है टैब, यदि आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप उसका जो फीड है, जैसे जो ग्रेन्स वगैरह देते हैं, आप उसको पीस करके पाउडर को उसके खाने के अंदर भी आप मिक्स करके आप दे सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी में बताया कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है, आप उनको डाइट में ये दीजिए। दूसरा, आप ब्रीडिंग सीजन के दौरान आप कोशिश कीजिए कि प्रोटीन के सोर्स के तौर पर जितने भी बॉयल्ड एग होते हैं, बॉयल्ड एग में जो वाइट पोर्शन होता है वो आप अपने बर्ड्स को दीजिए। ये बर्ड्स की ब्रीडिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा, उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखेगा। आज मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि बर्ड्स में ब्रीडिंग में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं, उनको कैसे ठीक किया सकता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल ही जब आप फेस करते हो तभी आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ब्रीडिंग का जो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको भी मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।